मॉर्निंग गाइज, आप लोग का स्वागत है डॉग ट्रेनिंग सिद्धार्थ नगर में। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था गाइज रैबीज के बारे में, एंटी रैबीज। तो उसके बारे में आज बात करेंगे कि एंटी रैबीज से अपने डॉग को बचाने के लिए आप क्या करें और डॉग को एंटी रैबीज कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है जो, और मैं भी कई वीडियो देखा हूँ और डॉक्टर लोगों से मिला हूँ। तो उनसे बात करने के बाद ये चीज़ का क्लियर हुआ है कि ऐसा क्यों होता है अपने डॉग को। तो इस वजह से मुझे जो एक्सपीरियंस होता है और जानकारी मिलती है वो आप लोग तो पता है आप लोग को, कि मैं वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो चीज़ मुझे एक्सपीरियंस गाइज हो जाता है अपने डॉग के साथ, मैं आप लोग को भी उस चीज़ों का रियलाइज करा देता हूँ कि हाँ चीज़ इस चीज़ों से आप लोग भी सतर्क हो जाएँ और सावधान हो जाएँ। तो जैसा कि अभी आप एक स्ट्रीट डॉग को देख पा रहे हैं, तो और अभी आ जाओ ऐसे में अगर आप अपने डॉग को लेके, और आपको तो पता ही है कि अपने डॉग को लेके जैसे ये गंदा आपको ये दिख रहा है जो, चलो आ जाओ। तो बहुत सारे स्ट्रीट डॉग को आपको तो पता ही है कि उनको इंजेक्शन नहीं लगता है गाइज। जो एंटी रैबीज आते हैं, जैसे अगर हम अपने घर में अपने डॉग को रखे हैं तो उनको रैबीज हम लगवा के रखते हैं, और कभी कभी हम लोग क्या है कि लापरवाही कर जाते हैं कि अपने भी डॉग को रैबीज लगवाना भूल जाते हैं या फिर नहीं लगवाते हैं। हाँ, बचपन में जब लेकर आते हैं तो उसको लगवाते हैं ज़रूर है, अच्छे से केयर करते हैं, लेकिन बाद में फिर से हम लोग उसकी केयर करना थोड़ी सी कम कर देते हैं। और मुझे लगता है कि यार वो घर में ही है मेरे, और उसे कहाँ से रैबीज लगेगा और कहीं बाहर नहीं जाता है जो। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, यह सोचना कि अगर मेरा डॉग घर में ही है और तो उसे कहाँ से रैबीज लग जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी भूल है गाइज। तो ये जो है इसी को हमें सुधारना हमें है कि हम वो गलती कर बैठते हैं जाने अनजाने में, जिससे कि हमें बाद में बहुत कुछ पछतावा पड़ जाता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपके पास प्रेग्नेंट फीमेल है तो ये लापरवाही, अगर आपके पास मतलब प्रेग्नेंट या फीमेल ही है तो फीमेल के साथ ये लापरवाही कभी भी मत करें आप, क्योंकि इससे आपको पता है कि जब आप मेटिंग वोटिंग कराते हैं तो वो दूसरे डॉग के संपर्क में आती है, क्या पता है कि वो डॉग के अंदर कौन से शुक्राणु हैं, क्या हैं, और जब बेबी कैरी करे तो कौन से इन्फेक्शन है आ जाए उसके अंदर, कुछ भी हमें पता नहीं होता है। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताऊं कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी फ़ीमेल जो है वो अगर छूट जाती है या फिर हीट पे जब आई रहती है तो घर से बाहर निकल जाती है, या फिर कोई और किसी कारण बस उसकी मेटिंग जो है स्ट्रीट डॉग से हो जाती है। तो स्ट्रीट डॉग से मेटिंग होने से और फिर बहुत सारी चीज़ों से, और अपने डॉग को कभी कभी आप लेके जब मार्केट में टहलने के लिए निकलते हो या फिर मतलब ग्राउंड में दौड़ाते हो, और अभी और रोड पे अगर आप उसे वॉशरूम के लिए या फिर मतलब पोटी के लिए लेके निकलते हो आप, तो अक्सर आपने कभी कभी देखा होगा स्ट्रीट डॉग जब सामने आ जाते हैं तो आपका डॉग दौड़ता भी तेज़ी से है और उनके पीछे कभी कभी छूट जाता है आपके हाथ से, तो दोनों की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के कारण तो एक दूसरे की वजह से, कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका ही डॉग उसे काटे, वो भी आपके डॉग को काट सकता है। तो जब ऐसा हो जाएगा गाइस, तो आपको पता ही है कि स्ट्रीट डॉग तो कभी भी वैक्सीनेशन नहीं होते हैं और तमाम सारी बीमारियों से ग्रसित भी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्ट्रीट डॉग को मतलब एंटी रैबीज ही हो, लेकिन आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि दोनों के संपर्क आने से वजह से भी रेबीज पैदा हो सकता है, तो इससे आप लापरवाही ना करें, क्योंकि आपको पता है कि रेबीज एक बार होने के बाद गाइज उसका 100% डेट है और कोई इलाज अभी तक उसका शोधकर्ताओं ने नहीं बनाया है, ना बना पाएंगे। शायद अगर भविष्य में बना तो ठीक है, वैसे भी इस पूरे दुनिया में शायद एक दो लोग ही बच पाए हैं रेबीज होने के बाद। उसका कुछ महंगा बहुत ही इलाज है अगर वो बाहर देखा जाए तो, और उसके बाद भी क्या भरोसा कि कोई बच नहीं पाता। तो मतलब ये 100% डेट ही है, उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। तो इस वजह से गाइज अपने भी डॉग को आप वैक्सीनेशन रेबीज का लगवा दें, और जिससे कि आपके डॉग को भी कोई भी इन्फेक्शन ना होने पाए, रेबीज बिल्कुल भी ना होने पाए, और जो भी इनके इंजेक्शंस आते हैं वो भी लगवाते रहें आप कंटिन्यू। इसके अलावा गाइज की जैसा कि आपको पता है कि फीमेल से तो बहुत सारी हमें अपेक्षा है, या फिर बहुत सारे लोग मतलब जो कैरियर सिस्टम में हैं बहुत सारे लोग उससे मतलब ब्रीडिंग करना चाहते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें गाइज, नहीं तो उनको बहुत ही नुकसान हो सकता है इन सब चीज़ों का। तो उसको नुकसान ना करते हुए आप लोग इन सब चीज़ों का पहले से ही ध्यान रखें गाइज, बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपका डॉग कभी भी इन्फेक्टेड ना हो और आप भी खुश रहें और आपका डॉग भी मस्त रहे। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको खुद ही अपने डॉग को मारना पड़ेगा, तो ऐसा ना होना पड़ेगा गाइज। और बहुत ही दुख होता है यार जब अपने डॉग को कोई बीमारी, आपको पता है कि एक टाइम आपका डॉग खाना नहीं खाता है तो कैसा होता है, आपको खुद ही बहुत अच्छा नहीं लगता होगा कि खाना नहीं खाया। लेकिन आप सोचो कि जब वो मतलब पूरे 10-12 दिन के सर्कल में वो आपके सामने ही तड़प तड़प के मर जाएगा, तो फिर आपको कैसा फील होगा। तो इस वजह से गाइज ऐसी लापरवाहियों को ना करते हुए आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आई होप, मुझे लगता है कि इस वीडियो में कुछ तो आपको गाइज थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी, जिससे कि मुझे अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट करें। और जो लोग चैनल पे, मुझे भी पता है गाइज कि अभी तक बहुत सारे लोग चैनल को लाइक मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं, केवल वीडियो देखते हैं, तो वो ज़रूरी है। और वीडियो को बिल्कुल देख के अगर आप लोग हैं तो गाइज सब्सक्राइब भी कर लिया करें, जिससे कि आप लोग को जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग मिस कर जाते हैं। चलिए तब तक मिलते हैं गाइज नए पार्ट में और नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।